नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर से आप बिल जनरेट करते हैं, कंप्यूटर से जो आप जीएसटी का इनवाइस निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, और उसके साथ में हम देखेंगे कि आप अपने इनवाइस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हमारा कस्टमर का नेम कहाँ रहता है, कंपनी के नेम किधर रहते हैं, इसके बाद उसमें प्रोडक्ट है, इसके बाद कितने का बिल बना, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, सेल पीओएस बटन पे हम क्लिक करते हैं। सेल पीओएस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे अपने नंबर को आप सर्च करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बारकोड आप स्कैन करिए। यहाँ पे हमने चार प्रोडक्ट स्कैन किया हुआ है, टोटल तीन तीन छह की क्वांटिटी में है, हमारा फोर आइटम है और छह की क्वांटिटी है। अभी हम इसको सेटल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल बिल जो बन रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 6,225 रुपए का बिल बना हुआ है। अगर आप इसको डायनेमिक क्यूआर कोड किससे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डायनेमिक क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, और यह 12 बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट के लिए आपका आ जाएगा, और व्हाट्सएप भी हो जाता है इस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक कस्टमर को। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर चलाने में एकदम सरल है। अगर आपके पास कंप्यूटर का अनुभव बहुत ही कम है, फिर भी इस सॉफ्टवेयर को आप आसानी से चला सकते हैं। यहां पर इस बिल के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, सबसे ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर कंपनी के डिटेल्स होते हैं, कंपनी का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर। यहाँ पर आपको जो होता है टैक्स इनवाइस नंबर होता है, इनवाइस आपका नंबर है, डेट है, और फिर टैक्स है। यहाँ पे नीचे जो आता है पूरे कस्टमर के डिटेल आते हैं। यहाँ पर नीचे जो होता है आपका प्रोडक्ट के डिटेल्स है, जो आप प्रोडक्ट आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे एचएसएन कोड है, हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, सेल का रेट है, डिस्काउंट है, टैक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे, एक एक प्रोडक्ट का टोटल है। और फिर अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ग्रास टोटल है, डिस्काउंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, नेट टोटल। जो ये क्यूआर कोड दोस्तों दिख रहा है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से गूगल पे, फोन पे आप स्कैन करके इस बिल को पेमेंट भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो आप बिल को, हम एक्सपोर्ट किए तो यहाँ पे हमने पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दिया, बिल के नाम से किया, और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। अगर आप एक्सेल वगैरह में भी चाहिए तो इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। और यह देखिए एक्सपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर, मैं इसको क्लोज किया, डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पर आप देखिए बिल नाम से है, सेम टू सेम जो बिल आपको हमने दिखाया, सेम टू सेम बिल यहाँ पर आपको दिख गया है। इस ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे आ गया। इस सॉफ्टवेयर को जब आप चलाते हैं तो इसमें आप तीन प्रिंटर को आप इस्तेमाल किया जा सकता है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीनों प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।